यदि किसी एक गुनाहगार को सजा दी जाती तो शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। जहां एक तरफ बिहार सरकार इस बात को लेकर क्यों कहते हैं कि बिहार में दहेज प्रथा बंद है, तो आज दहेज प्रथा के कारण एक बेटी की हत्या कर दी गई है। गांव की तमाम महिलाएं, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हो, सारे के सारे लोग यहां भरे हुए हैं। इसी जगह किसी बड़े घर में ऐसी घटना घटी होती तो शायद 12 घंटा के अंदर ऐसे अपराधी को पकड़ लिया जाता। लेकिन ये है कौन, ये गरीब है जिस घरवाली को रात्रि में सोते हुए अवस्था में गर्दन चाप के मार दिया हो तो उन्हें दुल्हा कहा जाए या राक्षस कहा जाए। इस प्रकार का जो दहेज वाला जो सबसे बड़ा महाबीमारी है उसको ढोते रहेंगे ना, तो शायद ऐसा ही किसी न किसी घर से बेटियों की लाशें निकलती रहेगी, आए दिन बेटियों की कत्ल होती रहेगी।